आज जिस तरह भारत बांग्लादेश की सरकारें दोनों देशों के स्वाभाविक संबंधों को मजबूत कर रही है, सांस्कृतिक रूप से यही काम ठाकुरबाड़ी और श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के संदेश दशकों से करते आए हैं। आज जे भावे भारत बांग्लादेशेर सरकार दुदेशेर स्वाभाविक सम्पर्क के शक्तिशाली करछे, सांस्कृतिक भावे एई काजी ठाकुरबाड़ी एवं श्री श्री हरिचांद ठाकुरजीर बार्ता बहु दशक धरे करे आसछे। एक तरह से ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। एक भावे ये स्थान भारत और बांग्लादेशेर आत्मिक सम्पर्केर तीर्थक्षेत्र। आमादेर सम्पर्क मानुषेर संगे मानुषेर सम्पर्क, मनेर संगे मनेर सम्पर्क। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। भारत एवं बांग्लादेश उभय देशी निजेदेर विकास, निजेदेर प्रगतिर चे समग्र विश्वेर उन्नति देखते चाय। उभय देशी पृथिवीते अस्थिरता, सन्त्रास एवं अशांतिर परिवर्ते स्थितिशीलता, प्रेम एवं शांति चाय। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। आज सारा विश्व जिन मूल्यों की बात करता है, मानवता के जिस भविष्य का सपना देखता है, उन मूल्यों के लिए श्री श्री हरिचांद जी ने अपना जीवन समर्पित किया था। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी आमादेर दिए छिलेन। आज समग्र विश्व जेई मूल्यबोधेर कथा बोले, मानवतार जेई भविष्यतेर स्वप्न देखे, सेई मूल्यबोधेर जन्य श्री श्री हरिचांद जी निजेर जीवन उत्सर्ग करेछेन। महान कवि श्री महानंद हालदार ने श्री श्री गुरुचांद चरित में लिखा है, तपसील जाति मधुजा जा किछु होय छे, हरिचंद कल्प रोक्ष सौकड़ी फैल छे। अर्थात शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित समाज ने जो कुछ भी चाहा, जो कुछ हासिल किया, वो श्री श्री हरिचांद जी जैसे कल्प वृक्ष का ही फल है। महान कवि श्री महानंद हालदार श्री श्री गुरुचांद चरिते लिखेछिलेन, तपशील जाति माधुर्य जा किछु होयेछे, हरिचांद कल्प वृक्ष सकली फेलेछे। अर्थात निर्जातित, निपीड़ित, दलित, अवहेलित समाज जा किछु चेयेछे, जा किछु पेयेछे, ता श्री श्री हरिचांद जीर मतो कल्प वृक्षेर ही फल। श्री श्री हरिचांद जी को दिखाए मार्ग पर ही चलते हुए आज हम एक समान समरस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने उस दौर में महिलाओं की शिक्षा, उनकी सामाजिक भागीदारी के लिए काम शुरू कर दिया था। आज हम महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को पूरे विश्व में आगे बढ़ता देख रहे हैं। श्री श्री हरिचांद जी देखानो पथे चले आज आमरा एकटी समान
ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের দিকে এগোচ্ছি। উনি সেই সময়ে মহিলাদের শিক্ষা, তাদের সামাজিক অংশীদারিত্বের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আজ আমরা মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বকে এগিয়ে যেতে দেখছি। জব হাম শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর কে সন্দেশ কো সমঝতে হ্যায় হরি লীলা অমৃত কা পাঠ করতে হ্যায় তো এসা লগতা হ্যায় জেসে উনহোনে আগে কি সদিও কো পহলে হি দেখ লিয়া থা। উনকে পাস এক দিব্য দৃষ্টি থি, এক অলৌকিক প্রজ্ঞা থি। যখন আমরা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের বার্তা বুঝি, হরিলীলা অমৃত পাঠ করি, তখন মনে হয় যে উনি ভবিষ্যৎ কালকে আগেই দেখে নিয়েছিলেন। ওনাদের কাছে একটি দিব্য দৃষ্টি ছিল, একটি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। গুলামিকে উস দৌর মে ভি উনহোনে সমাজ কো ইয়ে বাতায়া কি হামারি বাস্তবিক প্রগতি কা রাস্তা ক্যা হ্যায়। আজ ভারত হো ইয়া বাংলাদেশ, সামাজিক একজুটতা সমরসতা কে উনি মন্ত্রো সে আপনে ভবিষ্য কা নির্মাণ কর রহে হ্যায়, বিকাশ কে নয়ে আয়াম ছু রহে হ্যায়।